अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक माथुर जिंदाबाद, अशोक माथुर जिंदाबाद, अशोक माथुर जिंदाबाद, अशोक माथुर जिंदाबाद, अशोक आप ये जानते हैं कि आज की ये मीटिंग कितनी अहम है। इससे पहले कि ये मीटिंग बाकायदा शुरू हो, इससे पहले कि इस मीटिंग की शुरुआत हो, हम सब ये जानना चाहेंगे कि हमारा इस मिल का और शेर तीनानाथ का आपस में रिश्ता क्या है। ये मिल एक मजदूर का सपना था, उस सपने का क्या हुआ? हम सब एक परिवार थे, उस परिवार का क्या हुआ? हमारे सब सवालों का जवाब चाहिए, हमें अपने सब सवालों का जवाब चाहिए। सपनों का क्या हुआ? हमारा बाप से रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं, और वो जो था वो जल गया, मेरे बेटे की चिता में जल गया। वो लोग भूल करते हैं और उसकी सजा भी पाते हैं। हमें भी मिल गई अपनी भूल की सजा, मुझको मिली, वो सामने मेरी बीवी बैठी है उसको मिली, लेकिन हम दोनों से बढ़ के उस मासूम बच्ची को उसकी सजा मिली है जो सामने चुपचाप बैठी है। खैर, ऊपर वाला सब देखता है। अशोक बाबू की बात करते हैं, उन्हीं के कंधों पर इस मील की बुनियाद रखी गई है। गौर से देखो, गौर से देखो, उन कंधों पर मेरे सुखी परिवार की अर्थी रखी है। वो झुका हुआ सर गवाह है कि वो कलंकित है। और अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बात सच नहीं है, तो शख्स सामने बैठा है उसे कहो कि खड़ा होकर बड़ी महफिल में कहे, मेरे सामने मुझसे कहे कि दीनानाथ झूठ बकते हो तुम, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कहो उससे, सर दीनानाथ जी, आप अशोक बाबू की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दीनानाथ ने जिंदगी भर अपनी मेहनत और ईमानदारी के सिवा किसी चीज का कोई फायदा नहीं उठाया। तुम लोग शराफत का नाम लेते हो, शराफत है कहां? हां, जलालत की बात करो, क्योंकि जमाना जलालत का है, राज है जलालत का। और मेरी मानो तो अब भी वक्त है, इन फरेबियों के चेहरे से नोच लो दोस्ती का वो झूठा नकाब। तो उसके पीछे देखोगे, तुम्हें अपने ही दुश्मन का चेहरा नजर आएगा। ये लोग तुम्हारे ही झंडे के नीचे तुम्हारे कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। इनका एक हाथ तुम्हारे हाथ में होगा और दूसरे हाथ में होगा गद्दारी का वो खंजर, जिसे ये तुम्हारी पीठ में पेवस्त कर देंगे। और तुम देखते रह जाओगे, हां देखते रह जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मैं देखता रह गया। और तुमसे एक बात और कहूं मैं, अगर इन गद्दारों को रोका न गया तो यही होता रहेगा। बेगुनाहों का, गरीब मजदूरों का खून शहर की गलियों में नालियों में बहता रहेगा, और अक्ल के अंधे इन्हीं कातिलों की जय जयकार करते रहेंगे। अपने नारों की बदमस्ती में अनजान मजदूर अपने नफा नुकसान की तमीज खो देगा, वो बिक जाएगा, वो बिक जाएगा बिन दाम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि आज तुम सब बिक गए हो। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। इस खूबसूरत और जज्बाती तकरीर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सेठ दीनानाथ सक्सेना। लेकिन अफसोस,
मिलें जज्बात से नहीं चलती, इसलिए आज ये मिल बंद पड़ी है और इसके जिम्मेदार आप, सिर्फ आप हैं। दोस्तों, आप में से दीनानाथ को कोई भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। इन्होंने जिंदगी भर दूसरों के कंधों पर पांव रखकर अपने कद को ऊंचा करने की कोशिश की। आपकी जरूरत पड़ी तो आपका सहारा लिया, अशोक की मदद दरकार हुई उसकी तरफ दोस्ती का हाथ फैला दिया, और हद तो यह है जब मेरी जरूरत पड़ी तो अशोक के शेयर गिरवी रखकर मुझसे पैसे लेने आए, और जब जब इनकी जरूरतें पूरी हो गईं तो इन्होंने हम सब सबकी आंखें फेर ली। कौन नहीं जानता कि दीनानाथ मिल्स को खड़ा करने में आप सबका और अशोक माथुर का कितना बड़ा हाथ है। सेठ दीनानाथ सक्सेना सपनों की दुनिया में रहने वाले एक जिद्दी इंसान है। इन्होंने अपनी जिद में आकर एक होनहार इंजीनियर को निकाल दिया, मिल में हड़ताल करवा दी। चाहे मजदूर भूखे क्यों ना मर जाए, मिल बंद क्यों ना हो जाए, इनकी जिद है, इनकी जिद है कि अशोक को वापस नहीं लेंगे। दोस्तों, दीनानाथ मिल्स को डूबने से सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, और वो है होनहार इंजीनियर और आप सबका सच्चा दोस्त अशोक माथुर। इसलिए इसलिए आज इनके गिरवी रखे हुए कागजात, इनके शेयर्स मैं इन्हें वापस देता हूं। लाइए। यही तो तुम्हारी तमन्ना थी, लेते क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल रही है, बड़ा हाथ ले लो, ले लो। अब बताइए इन हालात में डीएन मिल्स का चेयरमैन कौन होना चाहिए? अशोक, 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 अशो